दोस्तों आज हम बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ शिमला मिर्च और आलू की बहुत ही शानदार टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो नमस्कार दोस्तों, तानसी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने दो बड़े बड़े शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया, एक आलू को मैंने बारीक बारीक काट लिया, दो टमाटर बारीक बारीक काट लिया और एक बड़ा प्याज, बड़े साइज़ का प्याज को बारीक बारीक काट लिया। अब एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल जैसे गर्म होगा उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा जब चटकने लगेगा तो हमने जो एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक बारीक काटा था उसे हम डालकर अच्छे से भून लेंगे। प्याज जब हल्का सा भून जाए तो उसमें हम शिमला मिर्च को डाल के शिमला मिर्च को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों शिमला मिर्च और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शिमला मिर्च को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम आलू को भी डाल देंगे इसमें और अच्छे से भून लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। अब तो ये देखिए हमारे प्याज आलू और शिमला मिर्च अच्छे से भून रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे लाल हो रहे हैं हमारे। तो इसमें हमने लहसुन की 5-6 कलियां ली थी, उसे मैंने कूट ली, क्रश कर लिया था, उसे मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे भी हम इन सब्जियों के साथ शिमला मिर्च आलू के साथ अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। इसमें अब हमने जो दो टमाटर बारीक बारीक काटे थे वो भी डाल देंगे और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे भी हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब इसमें अब हम मसाले डालेंगे। तो मैंने इसमें नमक डाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी मैं, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला मैंने 1-1 चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें मैं 1 बड़े चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो जितना ही अच्छे से आप सब्जी को भूनेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी सब्जी बनेगी दोस्तों। तो इसे अब हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर छोड़ देंगे कि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए। ये देखिए 5 मिनट में हम देखेंगे कि सभी चीज़ें हमारे अच्छे से भून चुकी हैं। आलू, शिमला मिर्च, प्याज और मसाले सब अच्छे से भून चुके हैं। ये देखिए अब इसमें हम पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। तो मैंने गिलास लिया, 1 गिलास, उससे आधा गिलास पानी डाला मैंने। इसे अब हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी सब्जी तैयार हो गई है। हम एक बार चेक कर लेंगे कि आलू हमारा पक गया है कि नहीं। ये देखिए आलू हमारा हो गया है, तब हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ,
पूड़ी के साथ किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी रेसिपी। आप भी अपने घर पर बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।